जैसा कि ये विदित है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में अपनी पार्टी की रैली को संबोधित करने के लिए गए हुए थे। अच्छा होता यदि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद ये आगरा से लगे कानपुर देहात के पुखराया में आज हुई बड़ी रेल दुर्घटना स्थल पर भी चले जाते, तो इससे फिर पीड़ित परिवार के लोगों को भी थोड़ी राहत जरूर मिलती। लेकिन दुख की बात यह है कि वे वहां नहीं गए और वैसे भी दूसरों के दुख में शामिल होना उनके मिजाज में नहीं है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सपा सरकार के मुखिया को भी लखनऊ में ही अपनी बयानबाजी करने की बजाय यदि, तो इससे भी फिर पीड़ित परिवार के लोगों को थोड़ा दुख, पीड़ित परिवार के लोगों का दुख थोड़ा जरूर बढ़ जाता। लेकिन वे भी नहीं गए, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम ही होगी। इसके साथ साथ आज मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन के बल पर चुनाव लड़ने व लड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब आगे उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में किसी भी कीमत पर सत्ता में आसीन होने वाली नहीं है। चाहे वह अपने विरोधियों पर किस्म किस्म की गलत बयानबाजी करके वे अप्रत्यक्ष रूप में भी कितना भी हमला क्यों ना करते रहे, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता केंद्र की बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार से उनके लोकसभा चुनावी वायदों के साथ साथ अब बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोट बंदी के फैसले का भी हिसाब जरूर लेगी। इसलिए इनकी ढाई वर्षों के बाद अब किस्म किस्म की जा रही घोषणाओं व शिलान्यास आदि की ड्रामेबाजी भी अब इनको देश में आगे किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में नहीं बचा पाएगी। ऐसा हमारी पार्टी का ये अटल विश्वास है और मानना भी है। अर्थात अब इस भारतीय जनता पार्टी के व श्री नरेंद्र मोदी के भी अच्छे दिन नहीं बल्कि काफी बुरे दिन ही आने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि ये विदित है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में अपनी पार्टी की रैली को संबोधित करने के लिए गए हुए थे। अच्छा होता यदि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद ये आगरा से लगे कानपुर देहात के पुखराया में आज हुई बड़ी रेल दुर्घटना स्थल पर भी चले जाते, तो इससे फिर पीड़ित परिवार के लोगों को भी थोड़ी राहत जरूर मिलती। लेकिन दुख की बात यह है कि वे वहां नहीं गए और वैसे भी दूसरों के दुख में शामिल होना उनके मिजाज में नहीं है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सपा सरकार के मुखिया को भी लखनऊ में ही अपनी बयानबाजी करने की बजाय यदि वे खुद भी घटना स्थल पर चले जाते हैं, तो इससे भी फिर पीड़ित परिवार के लोगों को थोड़ा दुख, पीड़ित परिवार के लोगों का दुख थोड़ा जरूर बढ़ जाता। लेकिन वे भी नहीं गए, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम ही होगी। इसके साथ साथ आज मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन के बल पर चुनाव लड़ने व लड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब आगे उत्तर प्रदेश सहित
देश के अन्य किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में किसी भी कीमत पर सत्ता में आसीन होने वाली नहीं है। चाहे वह अपने विरोधियों पर किस्म किस्म की गलत बयानबाजी करके वे अप्रत्यक्ष रूप में भी कितना भी हमला क्यों ना करते रहे, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता केंद्र की बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार से उनके लोकसभा चुनावी वायदों के साथ साथ अब बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोट बंदी के फैसले का भी हिसाब जरूर लेगी। इसलिए इनकी ढाई वर्षों के बाद अब किस्म किस्म की जा रही घोषणाओं व शिलान्यास आदि की ड्रामेबाजी भी अब इनको देश में आगे किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में नहीं बचा पाएगी। ऐसा हमारी पार्टी का ये अटल विश्वास है और मानना भी है। अर्थात अब इस भारतीय जनता पार्टी के व श्री नरेंद्र मोदी के भी अच्छे दिन नहीं बल्कि काफी बुरे दिन ही आने शुरू हो जाएंगे।